ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ। ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਥਾਰ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਤਿੰਨ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਵੀ ਘਾਇਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਸਟੀਜੀਐਫ ਚੀਫ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਦੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। अपराधी मोरिंडा तो फतेहगढ़ साहब जा रहे सी अते रस्ते दे विच उना दी मुठभेड़ हो गई। एडीजीपी प्रमोद बान ने कहा कि यह थार जीप फगवाड़ा दे कोलों लुटी गई है, जिस दे विच तेजा गैंगस्टर अते उसदे साथी भी मौजूद सन। उन्होंने दस्या कि जदों इन्हां गैंगस्टर नूं पकड़न दी कोशिश कीती गई तां इन्हां लोकां ने पुलिस दी गड्डी नूं टक्कर मारन दा भी प्रयास किया। इसे दौरान पुलिस नूं फायरिंग करनी पई, जिस दे विच गैंगस्टर तेजा अते उसदा साथी मारिया गया। उन्होंने दस्या कि इन्हां गैंगस्टर नूं पकड़न दी कोशिश कीती गई तां इन्हां वल्लों पुलिस दी गड्डी नूं भी टक्कर मारन दी कोशिश कीती गई, जिस दौरान पुलिस वल्लों फायरिंग कीती गई। इस फायरिंग दे दौरान गैंगस्टर तेजा अते उसदा साथी मारिया गया, जिस दौरान दो पुलिस कर्मी भी घायल हो गए। पुलिस वालों इस मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी एनआरआई। ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਾਰ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਹੋਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਅਟੈਚ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਤੇਜਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਤੇਜਾ ਦੀ ਕੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਸਰ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੇਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਲਬ 37 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਨ ਕਾਂਸਪੀਰੇਟਰ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਤੇਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਸਰ? ਤੇ ਇੰਜਰਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਈਡੈਂਟੀ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤੇ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ। फिलौर दे लागे कुछ गैंगस्टर्स ने फगवाड़े तो एक गड्डी हुई सी, इस चो फिलौर उन्होंने फॉलो करा सी। फिलौर दे लागे कुछ गैंगस्टर्स ने बाबा साडा मुरादी नूं शहीद करता सी, नाम सी उनका कुलदीप सिंह। वो सेम ग्रुप का जो सरगना है वो तेजा सिंह है, और इस बंदे के ऊपर 38 से ज़्यादा पर्चे दर्ज हैं अलग अलग धाराओं में क्रिमिनल ऑफेंस। तो जब एडीटीएफ की टीम इसको फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करने के दौरान जब इसको यहाँ पर रोकने की अरेस्ट करने की कोशिश करेगी तो इसने गाड़ियाँ चढ़ाकर भागने की कोशिश करी, पुलिस पार्टी ने फायरिंग करी। फायरिंग में हमारे एक पुलिस वाला थोड़ा सा गोली लगी है, दूसरे के पैर पर इंजरी है। क्रॉस फायर जो रिटेलिटरी फायर था, उस फायर में जिस गाड़ी में तीन बंदे सवार थे, दो की क्रॉस फायर में तो गोली लगी कि दो की डेथ हो गई, तीसरा बंदा इंजर सी तो इसमें शिफ्ट किया। तेजा अपना इंडिपेंडेंट गैंग ऑपरेटर, ऑफकोर्स इनके अलग अलग एफिलिएशन होते हैं। जो थोड़ा जरा ये एरिया है नवा शहर वाला एरिया, उस इन्होंने मेन हाइडआउट नवा शहर दर्शकगढ़ के आसपास जो अपना गुरप्रीत सेखों वाला गैंग है, जो पुराने गैंग है उन्होंने सर कितों पिछले लगी थी पुलिस पार्टी कितों लगी थी सर? ये टेक्निकल चीज़ है जिस चीज़ के नाम कितने गैंगस्टर जो मारे गए उन्होंने की नाम है? एक का नाम तेजा है जो दस्या ने, जो कि मेन गैंगस्टर था। कितने मामले दर्ज हैं जी इनके ऊपर पहले? तेजे के खिलाफ जहाँ तक मेरी जानकारी 38 से दो बार क्रिमिनल ऑफेंस के बच्चे। सर कितना टाइम फायरिंग हुई यहाँ पे जो मुकाबला चला? देखिए टाइमिंग वाली बात नहीं होती है, 10 मिनट चली थी, 3 से 4 मिनट लगे होने। सर ये जेड़ा गैंगस्टर मारेगा तेजा की ये तो सिद्धू मूसेवाले के नाल कोई संबंध है? नहीं, नथिंग दैट आई नो। सर अपना नाम और डेजिग्नेशन भी बता दीजिए। ये मैं प्रमोद बान हूँ, एडीजी एडीटीएफ। मिस्टर संदीप गोयल एडी साहब ने डॉक्टर परविंदर सिंह हमारे डीएसपी हैं। विक्रम बराड़ इज आर डीएसपी, इंस्पेक्टर पुष्पेंद्र सिंह, सारी कंप्लीट टीम एजीटीएफ की। एसटीएफसी स्टाफ की ओर से ये हुआ था? सॉरी, एसटीएफसी स्टाफ की ओर से था ये? एजीटीएफ एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स।